नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनक्रिएटेड कंटेंट क्या है और ये इस तरह काम करता है। अगर आपने इसमें अनक्रिएटेड कंटेंट को डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या होगा, या आपको किन किन वीडियो में अनक्रिएटेड कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, और सबसे लास्ट क्या आपको पुरानी वीडियो पर भी अनक्रिएटेड कंटेंट का ऑप्शन को चूज करना होगा। तीन सारी टॉपिक्स में आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आपको बताते हैं किस तरह से आपके इसमें वर्क करना है। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी ये नया अपडेट हुआ है यूट्यूब पर। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अनक्रिएटेड कंटेंट क्या है। अगर आप इसे नहीं जान इसके बारे में नहीं जानना चाहते तो आपको बता दूँ कि अगर आप इसको सही नहीं यूज़ करते तो आपको हो सकता है कि भारी नुकसान हो जाए और आपका वीडियो या आपका चैनल भी डिलीट किया जाए। तो आपको बता दूं कुछ इस तरह से आपका नोटिफिकेशन भी आया होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से यह लेबल अल्टरेटेड कंटेंट इन ऐप यू कैन डिस्क्लोज अल्टरेटेड एंड स्पेन कंटेंट एंड स्टूडियो मोबाइल, या फिर जिसे इसको ओपन करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आता है। तो दोस्तों बता दो कि यहाँ पे अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसलेटेड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रतिम या परिवर्तित या कृत्रिम सामग्री के लिए उपयोग किया जाए खुलासा करना होता है, यानी कि आपको बताना होगा कि आपने किस तरह से कंटेंट को क्रिएट किया है। इसमें किसी तरह का कोई एआई जनरेटेड तो नहीं है। जो आप दिखा रहे हैं वीडियो में वो रियल में है या नहीं वो जान उसके बारे में बताना आपको ज़रूरी है। तो इसमें समझ लीजिए, पढ़ लेते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या करना होता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक दो बार ऐसा वीडियो बनाया है जो कि आपका ये अल्टरेटेड कंटेंट के अंदर आता है और आपने उसका खुलासा नहीं किया है तो आपको कुछ दंड का प्रभाव है, जो जैसे कि आपका वीडियो जो है रीच रोक दी जाएगी या तो आपका वीडियो ही रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका चैनल भी डिलीट किया जा सके। तो दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि अगर आप YouTube पर क्रिएटर हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें जानना है कि जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको पुराने वीडियो पर भी अल्टरेटेड कंटेंट का ऑप्शन जो है ऑन करना होगा, तो आपको बता दें दोस्तों आपका पुराना या नया कोई भी वीडियो हो सब पे आपको जो है अल्टरेटेड कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा और सब पे आपको एडिट करके जो है इस तरह से यहाँ पे अल्टरेटेड कंटेंट पे या सी अनोड करना होगा। इसमें ये खोल लीजिए, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो वास्तव में नहीं है लेकिन आप उसमें दिखा रहे हैं तो उसको उस पर जो है आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, आप खुद का वीडियो बनाया है तो आपको यहाँ पे नो करना है। और यहाँ पे आप तो दोस्तों सारी वीडियो में नया पुराना में आपको करना ही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप समझ गए होंगे करना क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।